नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाह इमरान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया अपना इमेज दुनिया के लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ लेके जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फहीम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया जो है तेज़ी से लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ रहा है। अगर एग्जांपल देखी जाए तो ब्राह्मोस मिसाइल जो वो उन्होंने मेड इन इंडिया में बनाया है, वो काफ़ी कंट्रीज़ उनसे ख़रीदने की ख्वाहिशमंद है और काफ़ी कंट्रीज़ ने ख़रीद भी लिया है। और अगर US की बात की जाए, US ने तेजस तैयारा उनसे ना ख़रीदा है, ख़रीद रहे हैं और एज अ ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आने वाले वक्त में जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा, इस हवाले से आपकी क्या राय? मैम देखें, जैसे US के बारे में आप जानती हैं, अमेरिका शुरू से सपोर्ट कर रहा है इंडिया को ना हर फील्ड में, मतलब वो सपोर्ट करता है इंडिया को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसने, और इसमें कोई शक नहीं। इंडिया जो है ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट की तरफ आता जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है अगर इसी तरह इंडिया अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहा ना तो बहुत ही जल्द ही ना इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि लीड करेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ज़रूर होगा। देखिए जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि वो उनकी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, जैसे कि वो अपने वेपन्स खुद बना रहे हैं और वो स्ट्रगल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो जिस तरह से वो कर रहे हैं सारे काम वगैरह, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान वैसे भी उससे बहुत पीछे है, इंडिया वैसे थोड़ा आगे है, तो मज़ीद अगर वो स्ट्रगल जिस लिहाज से कर रहा है तो वो एक इकॉनमी लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो सकता है इन फ्यूचर। डेफिनेटली, जैसे दुनिया पोलराइज हो रही है, ये सेइंग कि वो नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ हर कंट्री की बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर देखा जाए कि इंडिया फ्यूचर में एक्सपोर्टर बन जाएगा आर्म्स का और डिफेंस का। डेफिनेटली बिल्कुल बन जाएगा जी, वो अपने कंट्री में उनकी बहुत सी सारी फैक्ट्रीज हैं जब वो अपने मिज़ाइल्स बना रहे हैं, अपने वेपन्स बना रहे हैं, तो वो आगे बना के आगे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करेंगे लाजमी। US से उनका काफ़ी अच्छा, और इसराइल है आगे, उनसे इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट चल सकता है, तो मेरे ख्याल में इंडिया डिफेंस में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है कल को। इस हवाले से देखें जी, इंडिया जो है वो पहले ही ऑलरेडी जो है वो हमसे पाकिस्तान से तो काफ़ी उनका आगे चल आगे हैं वो, और उनका जो ब्राह्मोस है उनका मिज़ाइल उसमें भी वो दूसरी कंट्रीज उनसे ख़रीद रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से तो काफ़ी आगे हैं वो, मतलब हमारा तो उनके साथ वो। यही मैं कहूँगी कि इंडिया जो वो बहुत डेवलप हो चुका है अपनी एजुकेशन में, अपने आगे जो उनकी स्टडीज़ हैं बच्चों के मामले में, और भी डेवलपमेंट्स जो इन कर रहे हैं अपने इनकी, अभी आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली इन लोगों ने अपनी जो डेवलपमेंट की है आर्मी के हवाले से और बाकी भी सारी, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिवेलप हो चुका है और वो और भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें मेरी ये राय है कि मतलब इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हम न्यूक्लियर पावर उनसे पहले बने थे, लेकिन हम फिर भी अपने आप को इस तरह वर्ल्ड स्टेज पे हम लोग अपने आप को इस तरह मार्केट नहीं कर सके, और हम लोगों ने अपने आप को जिस तरह अपने आप पैगाम पहुँचा सकते थे, जिस तरह अपने आप को न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज़ के लिहाज से हम अपने एक्सपोर्टर बड़े बन सकते थे जिस तरह के वो हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्ट अगर हम उस न्यूक्लियर पर ना देखें, आई गेस और चीज़ों में भी उन्होंने मोटर इंडस्ट्री और मतलब इस तरह के और सी जगहों पर भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया। तो आई गेस हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, और बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री एज वेल हम लोग उससे भी अपने एटलीस्ट अगर नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एशिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हम उसकी वजह से इस मार्केट को तो एटलीस्ट एग्रीकल्चर एरिया में कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से पहले अगर देखा जाए, अगर आप जैसे क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर पर था, तो न्यूक्लियर पावर हम पहले बने हैं और मिज़ाइल्स हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन स्टिल उसमें हमारी जो इंडस्ट्री है वो उस पर बेस्ट इंजीनियर्स हैं, नॉटिकल इंजीनियर्स
अगर हम देखा जाए वो बेस्ट हैं। आगे हम उससे आगे फर्दर और इन्हांस कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी को और हम फर्दर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एवरी वन नोज़ कि हम लोगों की कितनी कैपेबिलिटी है। तो लेकिन आई गेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो उधर हम ज़रा थोड़ा लैक करते हैं, जिसकी वजह से वी हैवंट बीन एबल टू कैप्चर दैट मार्केट एंड एक्सपोर्ट में हम लोग बहुत पीछे रह गए और इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स की डिफरेंस की वजह से जो हमारे डेफिसिट है वो भी इस वजह से बढ़ा। सो आई गेस यू आर राइट कि हम लोग अपने एरियाज़ को अगर कंसर्न करें, हम लोग फोकस अगर देखें, अगर फोकस हम अपना सही कर सकें तो और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकें तो हम लोग इंडिया को एटलीस्ट आगे नहीं निकल सकते तो एटलीस्ट उनके बराबर आ सकते हैं डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हम लोग उनसे पहले न्यूक्लियर पावर बने थे। अगर बात की जाए, कोई भी डिप्लोमेसी परमानेंट नहीं रहती, ठीक है। अगर एग्जांपल मैं आपको दूं कि फ्रांस से जो हमने तैयारा मंगवाया था उन्होंने उसको अपग्रेड करने से मना कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान, क्या आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो वेपन्स बनाए मेड इन पाकिस्तान का, वो स्टैंप लगे उन पर ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें? इस हवाले से आपकी क्या? मेरा ख्याल आपको इस बारे में नहीं पता, हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम, वो इंडिया से भी अच्छा हमारा मिसाइल सिस्टम है। और क्या कहते हैं वो एक्सपोर्ट में क्यों नहीं आ गया था? नहीं, एक्सपोर्ट देखें ना, देखें ये ऐसा नहीं है कि आप जब आप पर्टिकुलर एमुनेशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कॉस्मेटिक लेके सबको बेच दें। उसमें बहुत से मुल्कों के अपने कुछ, कोई हमसे नहीं लेना चाहते, किसी को हम नहीं देना चाहते क्योंकि इसमें मुल्क की इंटेग्रिटी का सवाल हो जाता है। तो वो लाजमी कुछ हम कर बहुत सी चीज़ें हम लेना चाहते हैं लेकिन वो दूसरे मुल्क हमें नहीं देना चाहते जिस पे उनको इंडिया का, अमेरिका का या वो प्रेशर है। आई थिंक राइट नाउ वी आर टू डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो उसकी वजह से उस लेवल पे पहुंचने के लिए अभी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। वी आर टू डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, ऑन अदर टेक्नोलॉजीज, ऑन अदर लाइक यू नो अदर नेशंस फॉर आवर ओन सर्वाइवल। सो आई थिंक उधर तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए। मैम, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो स्ट्रक्चर नहीं ठीक, हमारा सिस्टम नहीं ठीक। जब तक ये सिस्टम नहीं ठीक होगा, अब आप बाहर से चीज़ें तो इंपोर्ट करते हो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें करप्शन, बीच में आपकी करप्शन आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर जब तक ये करप्शन नहीं ख़त्म होगी तब तक हम लोग अपने हथियार बनाना बहुत मुश्किल बात है हमारे लिए। इमरान खान अगर रहेगा तो बन पाएगा। अभी तक उस पर, उन चीज़ों पर तो कोई वर्क नहीं किया जा रहा और 3 साल हुकूमत को गुजर होने को हो गए हैं, तो अभी तक इस तरह की पॉलिसी तो कोई मंजर आम पे नहीं है। देखे ना जी, मुल्क ख़राब करने को इतनी देर लगी है तो अब 3 साल में मुल्क सही तो नहीं होगा। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अभी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है हमारे भी पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी से पीछे के। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी सारी जो वेपन्स की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है वो सारी बाहर से ही होती है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इसे खुद बिल्ड नहीं कर रहा, बना नहीं रहा। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पर फोकस करें कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस चीज़ पर स्ट्रगल करे। जैसे इंडिया अपनी चीज़ें खुद बना रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस चीज़ पर पाकिस्तान को भी एफ़र्ट्स करनी चाहिए, उसे अपनी यूथ पर भी फोकस करना चाहिए, उनकी स्ट्रगल, उनकी एजुकेशन पे। तो अगर वो एफ़र्ट्स करे तो हम मे भी उनके करीब तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान जो चीज़ों पे है ना, इम्पोर्ट्स में हमारी फोकस बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग मेड इन पाकिस्तान पे इतना हमारा जो है ना, हम लोग फ़ख्र नहीं करते। अगर कोई भी कहेगा मेड इन पाकिस्तान, वी डोंट बाय दैट थिंग। और अगर सिर्फ उसी पाकिस्तान चीज़ के ऊपर टैग कहीं बाहर का फॉरेन टैग लग जाएगा ना तो वो ऑल दो फेक होगा, बना पाकिस्तान में होगा लेकिन पीपल विल बाय इट। सो आई गेस हम लोगों की जो एक नेशनलिस्ट अप्रोच है वो भी नहीं सही। इंडिया वाले जो हैं वो हर जगह जहाँ भी हों, बेशक वो फॉरेन लैंड में भी हों, दे सपोर्ट इंडिया, बट वी बीइंग पाकिस्तानी डोंट सपोर्ट पाकिस्तान दैट मच। इंडिया अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर रहा है, इस हवाले से उनकी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, इस हवाले से आपकी क्या? जब भी आपका एक्सपोर्ट पे आपका फोकस ज़्यादा होगा तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस की वजह से आपका डेफिसिट कम होगा, इन दी एंड आपकी मार्केट ग्रोथ होगी। आपकी जब फिर आपकी बाहर के लोग भी जो हैं वो इंडस्ट्री, वो आपके उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके जब इन्वेस्टमेंट होगी तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो पॉवर्टी लाइन वो होगी, तो इन दी एंड आपकी इकॉनमी अल्टीमेटली बूस्ट तो करेगी। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी, अगर हम ऐसा ऐसा फोकस करें तो हम लोग एक नया पाकिस्तान भी देख सकते हैं। वो एज आई सेड के एवरी कंट्री लुक्स आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट, और इंडिया जो है अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है। दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय हाउ अदर पीपल आर ट्रीटिंग देम, वी गेट अ लॉट अफेक्टेड बाय हाउ लाइक यू नो मिडल ईस्ट इज ट्रीटिंग अस, हाउ यूएस इज ट्रीटिंग अस, हाउ फार ईस्ट इज ट्रीटिंग अस। वी आर टू डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर आवर ओन सर्वाइवल एज आई सेड। सो इंडिया को वो सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी जो हमें करनी पड़ी है। राइट नाउ फॉर आवर ओन इकोनॉमिक सर्वाइवल वी आर टू डिपेंडेंट ऑन चाइना, ऑन सीपैक, वी आर लुकिंग अप टू दैट। तो उसकी वजह से
इंडिया को वो सिचुएशन ही नहीं फेस करनी पड़ी है जो हमारे इश्यूज़ हैं। हमें तो अपना करंट अकाउंट और रिजर्व्स को करने के लिए दूसरे कंट्रीज से बोरो करने पड़े हैं पैसे। अभी हमें सऊदी को 1 बिलियन वापस करना पड़ा जो कि हमने चाइना से बोरो करके वापस अपने रिजर्व्स में डाला है। सो इंडिया इज़ नॉट फेसिंग ऑल दिस व्हाट वी आर फेसिंग। मैम देखें, जैसे मैंने पहले मेंशन की है कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वो लोग अपने जो उनकी ये है इंटेलिजेंस है इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं करप्शन के इन चीज़ों के। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिस्टम ज़्यादा डाउन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में वो लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने नौजवान नस्ल को अवेयर करते हैं इस चीज़ से, जो कि उनके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस हवाले से ये है कि वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, हर कंट्री को करना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को करना चाहिए, उनको ज़रूरत है इस काम की कि उनकी बरामदात जो है वो ज़्यादा हों, दूसरे कंट्रीज उनसे एक्सपोर्ट करें, तो ताकि जो है ना वो मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके और उसमें बेहतरी आ सके। तो अगर हम लोग पाकिस्तान में भी अगर ऐसे वेपन्स बिल्ड होना शुरू हो जाएँ, मतलब बनना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी भी उनसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। वो इस चीज़ को फोकस करके तो वो अपने जो है सोर्सेज ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम उनकी ज़्यादा हो रही है, डेवलपिंग कंट्री वो बन रही है हमसे ज़्यादा, तो पाकिस्तान को मे भी इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। इंडिया के अगर आप मोदी का पूरा एक एजेंडा देखें, उनका था मेड इन इंडिया, सो ही इज़ प्रमोटिंग दैट, दे आर प्रमोटिंग दैट ऑन अ नेशनल लेवल, उनकी जो गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। सो हमारे यहाँ एज एसेट के उस लेवल तक पहुँचने के लिए अभी काफ़ी टाइम चाहिए, तरफ जाना चाहिए, ख़ास तौर पर IT में वो हमसे बहुत आगे है। IT में हमें बड़ी मतलब अभी इसमें गुंजाइश है कि हम इसमें जा सकते हैं। एमुनेशन में जा रहा है वो ठीक है, लेकिन ये कि उसको वो अपने नुक्ता नज़र से, जैसे कि उसने कश्मीर में किया और दूसरे मुल्कों में किया, तो वो उसकी एक्सपोर्ट बिल्कुल है, लेकिन हमारी भी किसी से कम नहीं अपनी इस्तेदात के मुताबिक जितने कि हमारा GPT है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।